स्टूडेंट स्टैंडर्ड थर्ड बच्चों बोर्ड्स मैंने कलर करने के लिए बोला था और यहाँ पे मैंने सिखाया भी था। यहाँ पे इतना मैंने ड्रॉ कर दिया और आधा कलर किया। देखो ए वाला कलर यहाँ पे ऐसा करना है येलो ऑरेंज, ए बताने के लिए मैंने स्पेशल आपको बताया कलर को ऐसे पकड़ना है और ऐसे करना है, उसका लाइट डार्क शेडो गिराना है। बराबर बच्चों देखो ऐसे, तो वो थोड़ा शेडिंग जैसे दिखेगा और अच्छा भी लगेगा। वैसे ही यहाँ का बराबर बच्चों वैसे ही लाइट डार्क करना है इसके ऊपर और कलर भरना है। बच्चों इसके अंदर दो कलर है, एक रेड और फिर नीचे येलो है और यहाँ पे ग्रीन है। बराबर बच्चों वैसे ही हम लोग को ग्रीन कलर नीचे की साइड पे लेना है और कंप्लीट करना है। रेड यह ग्रीन कंप्लीट किया वैसे ही रेड करना है बच्चों। तो ऐसे रेड ग्रीन और येलो, येलो करने के बाद आप लोग को और कोई कलर करना चाहो वो भी कर सकते हो। करने के बाद क्या करना है बच्चों, पूरे में स्केच पेन घुमाना है, इतना याद रखना। स्केच पेन घुमाओगे तो ही तुम लोग का कलर अच्छी तरह से दिखेगा भी देगा और अच्छा भी लगेगा। बराबर, और बोर्ड के अंदर आप लोग को जो कलर भरना हो, यहाँ पे जो ए फ्लैग है इसके अंदर भी रेड येलो आप लोग जो कलर करना चाहो वो कर सकते हो। बराबर, थोड़ा रेड लिया, थोड़ा येलो लिया, थोड़ा ऑरेंज लिया करके अलग टाइप का भी ऐसा लाइट डार्क फ्लैग झंडा बता सकते हो। बराबर, ये तो उन लोग के खाली निशानी के लिए सिंबल के लिए होता है, देखो ऐसा। बराबर, और ए वाला जो है डंडी उसके अंदर ब्राउन, ए ब्राउन कलर है, समझ में आया बच्चों। इसके अंदर भी ब्राउन है, वो ब्राउन हल्का करना पड़ेगा हल्के हाथ से। देखो हल्के हाथ से क्या करना है, ऐसा एकदम हल्का, और फिर ब्राउन कलर का बॉर्डर लाइन करना है। वैसे ही आप लोग को ये जो मैंने बताया वैसे ही सेम टू सेम नीचे भी करना है। तो इसके लिए है ना मैंने ए कलर लिया है, थोड़ा येलो वाला डार्क। तो ए वाला येलो जो लकड़ी का देखो ए ऐसा कलर, वैसे ही यहाँ पे कलर मैंने लकड़े की बोट आती है ना, तो वुड कलर के लिए मैंने ये कलर लिया है। आप और कोई कलर भी ले सकते हो, और ब्राउन कलर नीचे करना है लाइनिंग करके। बराबर, दो कलर का आप लोग को बनाना है। ये बोट कंप्लीट हो गए बच्चों। आप और भी कोई कलर लेना चाहो तो लाइट डार्क करके ले सकते हो, समझ में आया। देखो अभी इतना बच्चों मैंने पूरा कर दिया, आपकी बोर्ड कंप्लीट हो गई, सन हो गया। नेक्स्ट बोर्ड के अंदर आप लोग जो कलर करना चाहो वो कर सकते हो। देखो अभी पानी का वेव्स बताने के लिए मैंने पहले लाइट कलर लिया है। लाइट कलर लेने के बाद समझ लो ये लाइट या डार्क लिया ऐसा, फिर उसके अंदर लाइट लेंगे, देखो ऐसा। बराबर, फिर से डार्क, फिर से अंदर लाइट। वैसे ही पानी का वेव्स बटाना है हम लोग को और कंप्लीट करना है। दोनों बोर्ड कंप्लीट करो और अच्छी तरह से नोटबुक और वर्कबुक में कंप्लीट करो बच्चों। बराबर, कलर आपको करना है, ड्रॉ भी आपको करना है, जो कलर कर सको वो कर सकते हो। इस सन के अंदर, पानी के अंदर, वाटर के अंदर मैं बताऊंगी, वही आपको करना है। बाकी कलर आप लोग को जो मन चाहो वो कर सकते हो इसके अंदर। स्टे होम, स्टे सेफ।